नमस्कार, आप सभी को मैं केदार मेहर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपने घरों में होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। और इस कोरोना महामारी से बचने के लिए शासन प्रशासन के द्वारा जो भी दिशा निर्देश आप लोगों को दिए जा रहे हैं, आप सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज 6 जून 2021 है और अभी सुबह के करीब 7 बजे हैं और इस समय मैं अपने धर्मघर में हूँ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पीछे है मेरा डॉग, देख सकते हैं आप, जा रहा है, तो मैं इसको घुमाने के लिए लेके गया था अभी सुबह के टाइम में। तो मैं आज यहीं से अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste. So, guys, मैं आप सभी को दिखाना चाहता हूँ धर्मगढ़ के आसपास की हरियाली। ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर वन विभाग की नर्सरी है जहाँ पे मैं पहले भी कई बार जाके वीडियो बना चुका हूँ, आप लोगों को दिखा चुका हूँ। और देखिए यार गाइज, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे चीड़ के देवदार के पेड़ आप लोग देख रहे होंगे मेरे ठीक पीछे, तो हरे भरे पेड़ तो कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और यार गाइज, मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहूँगा, एक अपील करना चाहूँगा यार, प्लीज़ आप अपने जंगलों को बचाइए, जंगलों को मत काटिए, जंगलों में पेड़ लगाइए। अभी बरसात का टाइम आ रहा है, आप अपने आस पास के जंगलों में कम से कम एक एक पेड़ भी सभी लोग लगाएंगे तो आने वाले समय में हमारे जंगल बचेंगे, हमें शुद्ध हवा शुद्ध पानी मिलेगी। मुझे काफ़ी खुशी होती है जब मैं इस प्रकार के हरे भरे पेड़ देखता हूँ अपने पहाड़ों में। ये आप देखिए, कल पर्यावरण दिवस था, बहुत सारे लोग फोटोज़ डाल रहे थे सोशल मीडिया में कि भाई हमने पौधारोपण किया, ये किया, वो किया, लेकिन आप लोग एक पेड़ लगाते हो तो 50 पेड़ काट देते हो। प्लीज़ यार ऐसा मत कीजिए, आप अपने जंगलों को बचाइए, जंगलों को बचाने में आप वन विभाग को सहयोग कीजिए। बीच में जब फायर सीजन चल रहा था उस समय भी मैं आप सभी को अपील करता था कि यार जंगलों में आग ना लगाओ, आग ना लगाओ, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग जंगलों को आग लगा देते थे। तो कितना बढ़िया नज़ारा दिख रहा है यहाँ से, आप देख सकते हैं पूरी हरियाली है, पूरा शानदार नज़ारा यहाँ से आप देखें चारों तरफ, और बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों यहाँ पे घूमते हुए। मैं आप सभी को एक और महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। आज 6 जून 2021 को मैं कोरोना का पहला टीका लगा रहा हूं और उसके लिए मैंने 2 दिन पहले अपना स्लॉट बुक कराया था और मुझे आसानी से आज की डेट मिल गई थी। और मैं जाऊंगा आज SAD कमेडी देवी में जहां पे लगेगा मुझे कोरोना का पहला टीका, तो मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और आप लोगों को भी मैं कहने वाला हूँ कि यार आप लोग भी अपने मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कीजिए और कोविड का टीका ज़रूर लगवाइए। और दोस्तों, जब मैं आज जाऊँगा कमेडी देवी तो मैं पूरा रास्ते का ब्लॉग आपको दिखाऊंगा, वहाँ से वापसी का भी मैं ब्लॉग दिखाऊंगा। अभी फ़िलहाल मैं चलता हूँ पहले घर में और फटाफट से नाश्ता कर लेता हूँ, तैयार हो जाता हूँ, उसके बाद निकलूँगा मैं कमेडी देवी। तो यार बने रहिए ब्लॉग में, ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा आज का, तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। गाइज, अभी सुबह के 9 बजे हैं, इस समय मैं अपने घर में हूँ। अभी अभी मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया है, अब मुझे निकलना है यहाँ से कमेडी, जहाँ पे आज मुझे कोरोना का पहला टीका लगना है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैंने 2 दिन पहले अपना स्लॉट बुक किया था और मुझे 6 जून यानी कि आज की डेट मिली थी, और मेरा जो शेड्यूल टाइम है 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच का, और इसी 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में मुझे वहाँ पर पहुँचना होगा और मुझे अपना जो पहला टीका लगाया जाना है मुझे, तो वो लगाना होगा। तो यार फिलहाल देख सकते हैं आप, मैंने मास्क भी पहना है, हाथों में ग्लव्स भी डाल रखे हैं, क्योंकि यार जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं इस कोरोना महामारी के दौर में तो पूरी सेफ्टी के साथ हम लोगों को जाना चाहिए। तो यार फिलहाल अभी सुबह के 9 बज चुके हैं, 1 घंटे का टाइम मेरे पास है और 10 बजे के आसपास मैं वहाँ पर पहुँचूँगा, ऐसा मेरा अनुमान है। तो मैं निकल रहा हूँ घर से और मैं आगे को ब्लॉगिंग कंटिन्यू करूँगा। प्लीज़ यार आप इस वीडियो में बने रहिए, मैं आपको पूरा ब्लॉग दिखाऊँगा और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, लास्ट जरूर देखें।
फाइनली मैं पहुंच चुका हूं कमेड़ी और अभी करीब सुबह के 10 बजे हैं और जहां पे इस समय मैं खड़ा हूं दोस्तों, यहां से ठीक पीछे है कमेड़ी की मार्केट और नीचे देख सकते हैं यहां पे है हॉस्पिटल जहां पे कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है और बहुत सारे लोग यहां पे आए हैं जिनका आज स्लॉट बुक हुआ होगा, जिनको अभी टाइम मिला होगा कि आज आपने टीका लगाना है, तो वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और ये देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे यहाँ पर मैंने अपनी गाड़ी खड़ी की है और मैं भी निकलता हूँ यहाँ से नीचे हॉस्पिटल के लिए। बहुत सारे लोग आ रहे हैं और कुछ लोग जा चुके हैं नीचे को हॉस्पिटल में, काफ़ी भीड़ यहाँ से नज़र आ रही है। तो देख सकते हैं आप, ये है पीछे पूरा कमेडी का लोकेशन। तो गाइस ये देखिए, ये अभी मैं जा चुका हूँ हॉस्पिटल की तरफ। यहाँ भी देख सकते हैं आप, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कमेडी देवी के नाम से ये है। तो ये देखिए कितने बढ़िया लोगो बना रखे हैं। ये देखिए, ये है सामने कमेडी का पूरा लोकेशन। अभी मैं हूँ SAD कमेड़ी देवी में, जो कि राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय कमेड़ी देवी के नाम से जिसको जाना जाता है। और यहाँ पे मैंने आज अपना पहला टीका लगाया है कोविड का और यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हैं। ये देख सकते हैं कुछ लोग पीछे बैठे हैं, कुछ लोग अंदर अभी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ लोग रेस्ट कर रहे हैं। और मैंने भी करीब 11 बजे के आसपास टीका लगाया, उसके बाद आधा घंटा मैंने पूरा रेस्ट किया। अभी करीब 11:30 बजे हुए हैं और मैं अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर रहा हूं, सुरक्षित महसूस कर रहा हूं। और आप लोगों से भी मैं अपील करना चाहता हूं कि आप लोग भी टीका लगाइए। जो भी लोग अभी तक कोविड के इस टीकाकरण में नहीं गए हुए हैं, जिन्होंने टीका नहीं लगाया है, तो यार आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन बुक कीजिए स्लॉट और उसके बाद जिस हॉस्पिटल में भी आपका स्लॉट बुक होगा उसी हॉस्पिटल में आपको जाना होगा। तो आप लोग घर बैठे जो है अपनी बुकिंग कर सकते हैं आसानी के साथ और अपना टीका लगा सकते हैं। साथ ही अपने फैमिली के लोगों का, आसपास के लोगों को भी, सभी को आप लोग प्रेरित कीजिए। तो बाकी फ़िलहाल अभी मैं थोड़ी देर यहाँ पर रुकूँगा और थोड़ा सा यहाँ पर हमारे कुछ पत्रकार साथी लोग आए हैं, उनको कुछ बाइट वगैरह देनी है किसी मुद्दे पर, तो उसके बाद फिर निकलूँगा मैं यहाँ से आगे को। तो मैं पूरा ब्लॉग दिखाऊँगा, आप बने रहिए वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो यार गाइस अभी मैं हॉस्पिटल से आ चुका हूँ वापस अपने घर को निकलने के लिए। मैं आपको आज अपने एक खास मित्र से मिलाने जा रहा हूँ। देखिए ये हैं हमारे पंकज दसिला जी, जो कि मूल रूप से कांडा कमस्यार के रहने वाले हैं, एक बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक पत्रकार भी हैं। देखिए आज यहाँ पर कवरेज करने के लिए आए थे। तो दसिला जी क्या कहना चाहेंगे इस कोरोना महामारी के दौर में जो यहाँ पे टीकाकरण हो रहा है, आप कवरेज करने के लिए आए थे, तो कैसा लगा आपको यहाँ पे? ना मुझे वैसे तो व्यवस्थाएं ठीक ही हैं, लेकिन एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं हो पा रही थी जी। उसके लिए हमने सुझाव दिया कि जो अस्पताल स्टाफ है उससे कहा गया कि जो स्लॉट बुक होते हैं 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, तो अपने स्लॉट के हिसाब से आए। और अपील भी लोगों से की गई अस्पताल प्रशासन द्वारा कि आपने स्लॉट जिस हिसाब से समय के अनुसार आए, ताकि यहाँ पर अनावश्यक भीड़ न लगे। बिल्कुल। तो यहाँ के जो भी अस्पताल कर्मचारी हैं उनसे हमने यही हिदायत दी कि अनावश्यक भीड़ न लगे, उसके लिए आपने भी पहले कहा इनको। तो जनप्रतिनिधियों को भी ये कहना चाहिए और लोगों को भी स्वयं ये एहसास होना चाहिए कि हमने अगर 10 से 12 कर रखा है तो 10 से 12 वाले समय में जाएं, अगर 12 से 2 कर रखा है तो उसी समय पर जाएं। बिल्कुल। ये अनावश्यक भीड़ में देख रहा हूँ, एक तो जगह कम है यहाँ पे, तो यही मैं कहना चाहूँगा, बाकी व्यवस्थाएं ठीक थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पंकज दसिला जी, जो कि हमारे काफ़ी अच्छे मित्र हैं। जैसा कि दसिला जी ने बताया यार गाइज कि यहाँ पे थोड़ा सा शेड्यूल के हिसाब से टीके नहीं लग पा रहे हैं। एक्चुअली हो क्या रहा है, जैसे मैंने अपना शेड्यूल बुक किया था 10 बजे से 12 बजे, लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो मैं देख रहा हूँ कि जिसका शेड्यूल 2:30, 3 बजे का है, 4, 5 बजे का है, वो लोग भी पे आए हुए हैं, वो भी सुबह से लाइन में खड़े थे। तो मैंने भी यहाँ पे अस्पताल प्रशासन को और जो भी यहाँ पे पुलिस के कर्मी जो भी ड्यूटी में अपनी सेवा कर रहे थे, उन सभी लोगों के साथ जो है बात की और सभी लोगों को समझाया,
कई लोग भीड़ में बैठे हुए थे उनको अलग अलग किया। तो काफ़ी व्यवस्थाएं तो प्रशासन की तरफ से अच्छी हो रही हैं, स्वास्थ्य विभाग भी काफ़ी जागरूक है, लेकिन जो हमारे गाँव घरों के लोग हैं, जो हम जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, हम लोग नहीं समझ पाते हैं और हम ही लोगों की वजह से ये कोरोना भी फैल रहा है। मैं सीधी सी बात करता हूँ तो यार प्लीज़ आप भी अगर किसी हॉस्पिटल में अपना वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो आप अपने शेड्यूल के हिसाब से ही जाएं। अगर आपका शेड्यूल 2 बजे है तो आप 2 ही बजे जाएं, आप 10 बजे ना पहुंचें जिससे सभी को दिक्कत हो। तो फिलहाल मैं निकलूंगा यहाँ से ऊपर, वहाँ पे है मेरी गाड़ी, उसके बाद फिर हम डेसिला जी जाएंगे अपने कांडा को और मैं जाऊँगा धर्मगढ़ को। तो थोड़ी देर हम लोग यहाँ पे रुक रहे हैं, थोड़ा बातचीत करने हैं क्योंकि काफ़ी समय से मुलाकात हुई है। तो आप बने रहिए ब्लॉग में। फाइनली मैं अभी अपने घर में पहुंच चुका हूं। कॉमेडी से मैं करीब 12 बजे के आसपास वापस आ गया था और करीब आधे घंटे में मैं 12:30 अभी यहां पे हुआ है टाइम, तो मैं पहुंच चुका हूं 12:30 बजे के आसपास अपने घर में। और यार देख सकते हैं पीछे दुकान बंद है, शटर डाउन कर दिया है और यहां पे मैं थोड़ी देर बैठा हूं ऐसी वीडियो बनाने के लिए। फिर जाऊंगा मैं किचन में, खाना बन के बिल्कुल रेडी है, सभी लोग मुझे ही जो है वेट कर रहे थे कि कब घर आएंगे तो खाना खाएंगे। तो खाना खाऊंगा, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करूंगा क्योंकि आज मैं बहुत दिनों के बाद अपने घर में हूं और कोविड का टीका लगाने के बाद रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। और यार मैं अभी तक बिल्कुल अपने आप को फिट महसूस कर रहा हूं, स्वस्थ महसूस कर रहा हूं और किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम अभी तक नहीं हुआ है मुझे टीका लगाने के बाद। जैसा मैं पहले था वैसा ही अभी मैं महसूस कर रहा हूं। तो हर्षो तू भी लगाएगा टीका? ये हर्षो कह रहा है कि जो हमारा डॉग है ऊपर बंधा है छत में, मतलब कि छत बगल वाले कमरे में बंधा है जो मेरा ऑफिस है रेंट में, तो ये बोला कि जैसे आपने सो हेलो गाइस बोला तो उसने सुन दिया और वो रोने लग गया है। तो ऐसा ही कहा ना तूने? तो रो रहा है वो? तो यार फिलहाल मैं पहले रॉकी से भी मिलता हूँ थोड़ा सा अपने डॉग से, फिर खाऊंगा खाना। पहले खाना खाओ फिर जाना। पहले खाना खाऊं ना? सोने के टाइम ऊपर ही आना है आपको काम करने ना। मतलब वो खाना खाने के बाद काम करने। अच्छा अच्छा, तो ठीक है ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, हमारे वीडियोज ऐसे ही देखते रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो लेकर आया करूँगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, आप मेरी हर वीडियो टाइमली देख सकेंगे। तो यार अभी के लिए इतना ही, आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, मिलता हूँ मैं नई वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि।